नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 5 जो आपकी रहेगी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए अगर आप अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लास्ट यूनिट 5 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप अगर कंटेम्प्रेरी इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो आपके विद्या के जो आपका क्वेश्चन बैंक है सबसे पहले उसके अंदर आपको 2022 का पेपर दिया गया है, ठीक है। 2022 का पेपर जो आपके कंटेम्प्रेरी इंडिया का आया था, है ना, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, वो आपको दिया गया है, ठीक है, विद सॉल्यूशन, ठीक है, विद सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको ये पेपर आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही पेपर तैयार करना है, ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको तैयार करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 का जो आपका रहता है वो आपका ये है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पड़े प्रभावों के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, या फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, उसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यह है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के व्यवसायीकरण की आवश्यकता एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने मॉडल में पेपर में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से बाल अधिकार हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द चाइल्ड राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब दैम। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आज के यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, जो आपका 2022 में आपका पेपर था, ठीक है, वो तैयार करना है, प्लस जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो आपको तैयार करना है, ठीक है। 100% आपका यहाँ से आपका पेपर में एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया का पेपर पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का मैं आपको करा चुका हूँ, आज कंटेम्प्रेरी इंडिया का पेपर फिनिश हो गया है, नेक्स्ट पेपर हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप विद्या की पीडीएफ बाय करना चाहते हो, ठीक है, ये देखो कुछ विद्या की पीडीएफ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका अनसोल्ड है, इस अनसोल्ड के अंदर आपको 2015 से लेकर 2022 तक के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी आज तक यूनिवर्सिटी ने आपके पेपर कराए हैं इसमें दिए गए हैं, और इस अनसोल्ड का सोल्यूशन आपको इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में आपको ईजी लैंग्वेज में मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने सूर्य के क्वेश्चन बैंक बाय कर लिया है अगर उसमें ये क्वेश्चन मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता है नहीं मिलेंगे, है ना, तो आप इन पीडीएफ को मुझसे बाय कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी पीडीएफ है, इजी लैंग्वेज में आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हो, मेरा नंबर है 8445799336, ठीक है। जो बच्चा पीडीएफ बाय करना चाहता है सिर्फ वही मैसेज करे, आलतू फालतू कोई मैसेज ना करे कि सर एग्जाम कब होगा, डिमकाना कब होगा, फलाना कब होगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे बाय कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, क्योंकि इजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ दिया गया है, आपके पैडागोजी सब्जेक्ट की भी पीडीएफ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, आलतू फालतू कोई मैसेज ना करे, ठीक है। तो यही आपका आज का पेपर फिनिश होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया का, नेक्स्ट पेपर करेंगे कल से ही स्टार्ट, तो बने रहिएगा चैनल से, ठीक है, जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी है ताकि अगर वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में है उनको पता चले कि टीचर सॉल्यूशन पे आपकी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए जमे रहिएगा, बने रहिएगा चैनल से, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, अपने बहन भाई का ध्यान रखिएगा, और ना खुद का भी। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।